हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन कुमार है और यूपी टीजीटी साइंस रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट पॉसिबल हो सकते हैं विद इन अ 30 डेज आपको कराए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज ये कंप्लीट किए जाएंगे और लाइव क्लास के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 6395660958 से जुड़ सकते हैं। और आज की डेट में हम असाइनमेंट नंबर 1 लेकर आए हुए हैं जो बेसिक साइंस रिलेटेड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट रिलेटेड लिए गए हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ और लेक्चर भी आज अपलोड किए जाएंगे शाम तक, लेकिन अभी आपके सामने 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इन क्वेश्चन को देखें और एक बार खुद से करने की कोशिश करें। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट सीरीज में मैं इंक्लूड करूंगा वो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बुक टाइटल प्रिंसिपिया वॉज रिटन बाई मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन एंड गैलीलियो। तो उसका जो राइट आंसर है वो न्यूटन है। अब आगे से मैं जितने भी क्वेश्चन है उनके राइट आंसर बोलूंगा, बाकी आप खुद पॉज करके एक बार देख लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कौन सा आंसर सही है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। द इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबल प्राइज फॉर अ फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबल प्राइज किसके लिए किसको मिला हुआ है? सर सीवी रमन को। सर सीवी रमन के थ्रू। नेक्स्ट, द मैन हु वॉन नोबल प्राइज ट्वाइस फॉर अ फिजिक्स, दो बार नोबल प्राइज किसके लिए दिया गया है, वो भी एक ही सब्जेक्ट के लेकर फिजिक्स में, ये है वार्डिन, इनको दिया गया है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली किसने डिटरमाइन किया था? न्यूटन मत लगा देना, या कैवेंडिश राइट आंसर होगा। विच वन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है? तो यहां पे देखें, लेंथ, क्वांटिटी ऑफ मैटर, टाइम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पे देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का नेम नहीं आता है। क्या आता है ये आप बताएं, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट इन एसआई सिस्टम, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? कुल 7 होती हैं, दिस इज द राइट आंसर। एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल का जो एग्जांपल होता है जैसे कि प्लेन, क्यूब, नन ऑफ दीज, या एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज फ्रॉम द बल्ब। अगर मान लीजिए एक बल्ब बना हुआ है तो उससे निकलने वाली जो लाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके से एमिट करती हैं, तो इसका ये जो एग्जांपल है रिप्रेजेंट करता है सॉलिड एंगल को। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये 7 इज द राइट आंसर। नेम द क्वांटिटी बिलोंग टू द रेडियन, वो कौन सी क्वांटिटी जो रेडियन से बिलोंग करती है, यानी कि फिजिकल है या सप्लीमेंट्री, ड्राइव या डायमेंशनलेस। दिस इज द राइट आंसर, सप्लीमेंट्री, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। उस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहली जो होती है वो प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। तो ये रेडियन जो लिया गया है एग्जाम्पल प्लेन एंगल का है और ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट का क्या एग्जाम्पल है, कौन सा रिलेशनशिप सही है? तो Q इज इक्वल टू NU एंड NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों ही ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डी विकल्प हमारा सही है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किस प्रकार की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट, कॉन्स्टेंट या ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जा रही होती हैं। तो आप देखें, डिस्टेंस ये लेंथ के लिए हो गया, टाइम ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, और इससे जो बनने वाली जो क्वांटिटी है वो स्पीड है, तो दिस इज द ड्राइव्ड यूनिट। अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम इट रिप्रेजेंट, क्या फुल फॉर्म है सीजीएस का, बस ये जानना चाह रहे हैं। सेंटीग्राम, ग्राम, सेकेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज। पॉज करके देखें इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। ग्राम्स एंड सेकेंड, तो देखिए सेंटीमीटर ग्राम होता है, सेकेंड होता है, ग्राम्स नहीं होता, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगर यहां पे एस नहीं होता तो ये आपका आंसर राइट होता। एसआई यूनिट अडॉप्टेड
ऑन अ ईयर, जो एसआई यूनिट है वो किस ईयर में अडॉप्ट किया गया? आंसर 1960। वन लीप ईयर इक्वल टू, वन लीप ईयर किसके बराबर होता है? तो यहां पे देखें कई वैल्यूज हैं जो मीटर में भी है, मीटर पर सेकेंड में भी है, तो राइट आंसर क्या होगा एक बार आप देख लें। वन लीप ईयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। 3 × और ये आंसर भी इसका ठीक है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए 3 × 10⁸ और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 365.25 से, देन मल्टीप्लाई कर दें 24 डेज होते हैं, आफ्टर डेट मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट एंड 60 सेकेंड से, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके ये दोनों विकल्प ठीक हो जाएंगे ए एंड बी। वन एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है इसको, एयू को, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा? वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन टू पावर 11 मीटर, दिस वन इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट वन पर सेकेंड, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन, वन पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.08 × 10⁶ मीटर, ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है, याद रखें। और इसका एक रिलेशन अगर हम लीप ईयर के थ्रू देखें तो लीप ईयर में भी 3.26 लीप ईयर के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, बोथ ए एंड बी दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दें, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एल वाई एयू एंड पर सेकेंड। एल वाई का मतलब होता है लीप ईयर एंड एयू का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पर सेकेंड, पर सेकेंड है। तो यहां पर अगर इसकी इनके ऑर्डर को अगर हमें चेक करना है तो इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखें पर सेकेंड की वैल्यू आप यहीं पे देख लें, इसकी पावर से ही चेक कर लें, 3.08 × 10⁶ मीटर है। इसके बाद में अगर हम यहां पर मीटर में देखें, एयू की जो वैल्यू है 2.67 × 10⁵ मीटर आ रही है, इसका मतलब ये बड़ी हो गई, ये भी छोटी हो गई। एक बार लीप ईयर की वैल्यू भी मीटर में देख लेते हैं तो 9.46 × 10⁵ मीटर है, 10⁵ मीटर है, और यहाँ पर सेकेंड में 10⁵ मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी आपकी, देन आफ्टर सेकेंड पोजिशन पे ये आएगा एंड थर्ड पोजिशन पे ये वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग ये विकल्प आपका राइट होगा। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर और मीटर दोनों में ही आपको पता होनी चाहिए कि सेंटीमीटर में कितनी होगी और मीटर में कितनी होगी। तो आप इस वाले विकल्प को देखें, 10⁻¹० मीटर, और चूंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है तो 2 पावर कम हो गई, 10⁻¹ सेंटीमीटर, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट है। वन माइक्रोन, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है म्यू, तो 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू 10⁻¹। अब आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि ये जो माइनस में होगा या नहीं होगा, तो 10⁻¹ मीटर, नॉट अ किलोमीटर, तो दिस इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से एक और यूनिट है जो स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, माइक्रोन एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, और अगर हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट यूनिट की बात करें तो एल वाई एयू पर सेकेंड, दीज आर द ग्रेटेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, जो किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। तो वन फर्मी, वन एफएम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10⁻¹, 10⁶, 10⁻¹ मीटर, 10⁵ किलोमीटर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है ये, 10⁻¹ मीटर, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। 10⁻¹ एंड 10⁵ में से कोई एक विकल्प हो सकता है, एंड उसमें से ये विकल्प बिल्कुल राइट है। तो ये 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हुए हैं, इनका सेट्स आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
ताकि मोर एंड मोर असाइनमेंट बनाने का मोटिवेशन हमको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।